भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांचवें टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी खत्म हो चुका है। मैच के दूसरे दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के कब्जे में रहा। भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से ही इंग्लैंड की टीम को धूल चटाई है। दूसरे दिन में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अंग्रेजी गेंदबाजों से जमकर रन लूटे। दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया 416 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं दिए गए टारगेट का जवाब देने उतरी इंग्लैंड की टीम बेहद ही खराब शुरुआत रही। टीम के सलामी बल्लेबाज पावर प्ले में ही आउट हो गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन ही बना पाई है और इस समय इंग्लैंड की टीम भारत के स्कोर से 332 रन पीछे है। अब अगर टीम इंडिया को मैच जीतना है तो बाकी 3 दिनों के अंदर इंग्लैंड को 2 बार ऑल आउट करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह ने न केवल गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी से भी कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज भी इस मामले में अब जसप्रीत बुमराह से पीछे हैं। आइए आपको बताएंगे कि कैसे जसप्रीत बुमराह ने दुनिया का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अब ये कोई कारनामा गेंदबाजी की बदौलत नहीं बल्कि बल्लेबाजी की बदौलत हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, जसप्रीत बुमराह के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चूंकि बात तो आप जानते हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। अंतिम मुकाबला हालांकि मैच से बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन टीम इंडिया के जीतने के ही ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन गए हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह से 80 के आसपास इंग्लैंड की 5 विकेट चटका दिए है, ये टीम इंडिया की जीत का साइन है। टीम इंडिया को हारने के चांसेस बेहद ही कम हो जाते हैं। जहां टीम इंडिया की शुरुआत तो बेहद ही खराब रही, 80 रन के आसपास आधी टीम पवेलियन में लौट जाने के बाद ऋषभ पंत और जडेजा ने जिस तरह से पारी को संभाला वो काबिले तारीफ है, लेकिन एंड ऑफ द एंड जसप्रीत बुमराह ने अपने बल्ले से कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बुमराह ने रच दिया है इतिहास, बल्ले से तोड़ा ब्रायन लारा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 दिन का टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में कप्तानी का जिम्मा भी जसप्रीत बुमराह के कंधे पर है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के अस्थायी टेस्ट कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक शानदार पारी खेली और खास बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ने ये गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से कारनामा किया है। जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन ठोके, जिससे उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस ओवर में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इस ओवर में एक 9 बॉल और एक वाइड बॉल भी फेंकी, जिससे 4 रन ज्यादा मिल गए। वहीं आखिरी गेंद पर दौड़कर एक रन भी ले लिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन लेने वाले एक ओवर के अंदर बल्लेबाज बन जाते हैं और कहीं न कहीं 35 रन का रिकॉर्ड बन गया है और यह टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे महंगा ओवर है। यही नहीं, जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 35 रन ठोक देना चर्चा का विषय बन गया है। वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज ब्रायन लारा 2004 में एक ओवर में 28 रन बनाए थे, जो कि उसके बाद से 2 बार दोहराया जा चुका है। लेकिन 1 जुलाई को शुरू हुए इस मैच में ब्रायन लारा का एक ओवर में सबसे ज्यादा रन रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। इस तरह से जसप्रीत बुमराह ने यह कारनामा किया, इस बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने न केवल ब्रायन लारा बल्कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर बना दिया। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं।